समीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सबका स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं स्कूल प्रोजेक्ट किट का चौथा भाग, फोर्थ पार्ट्स, जो मैंने किट के लिए बनाया था। पहले भाग में कुछ चीज़ें बताई थी, दूसरे में, तीसरे में, ये आज चौथा पार्ट आप देख रहे हैं। इसमें मैं बताऊंगा आपको सोलर फैन, सोलर स्ट्रीट लाइट और डीसी मोटर, तीनों मॉडल इस मॉडल में इसमें बताऊंगा मैं इस पार्ट में। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सोलर स्ट्रीट लाइट। देखिए सोलर स्ट्रीट लाइट में क्या क्या सामान निकलता है। सबसे पहले तो एक सोलर पैनल निकलेगा इसमें, स्ट्रीट लाइट में छोटा सा सोलर पैनल है। इसके पीछे आप देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव दो वायर लगे हुए हैं, रेड एंड ब्लैक। एक स्टैंड है, सोलर स्टैंड, यहाँ देखिए आप एक बेस है सोलर स्ट्रीट लाइट, इस पर लिखा हुआ है। यहाँ रोड बना रखा है छोटा सा, स्ट्रीट लाइट के लिए तीन होल दे रखे हैं और ये स्टैंड के लिए एक यहाँ पर स्लॉट दे रखा है। इसको स्टैंड को यहाँ पर लगा देंगे और ये तीन स्ट्रीट लाइट हैं, तीनों स्ट्रीट लाइट इस होल में आ जाएंगी इस तरह से। और हर स्ट्रीट लाइट में दो वायर हैं, एक रेड एंड एक ब्लैक, तो सभी रेड एंड ब्लैक वायर को एक जगह, रेड एक जगह जोड़ लेंगे और ब्लैक एक जगह जोड़ लेंगे। देखिए मैं जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए तीनों स्ट्रीट लाइट हमने होल के अंदर लगा दी और तीनों के वायर निकले हुए हैं। अब इसका ब्लैक लेंगे, एक इसका लेंगे, बहुत पतले पतले वायर हैं, ईजिली आप इसको नाखून से भी छील सकते हैं। और तीनों को एक जगह ट्विस्ट कर लेंगे, ऐसे ही रेड वायर लेंगे, रेड वायर भी तीन निकलेंगे और तीनों रेड वायर को एक जगह ट्विस्ट कर लेंगे हम। बस अब हमारा मॉडल लगभग तैयार है। अब ये सोलर पैनल है, इसमें भी दो वायर हैं, एक रेड और एक ब्लैक, नेगेटिव और पॉजिटिव। ब्लैक वाला हमारा नेगेटिव होता है तो हम ब्लैक में लगा देंगे, इसको इसके साथ ट्विस्ट कर देंगे ऐसे, और रेड वाले को रेड में लगा देंगे। देखिए यहाँ पर डबल टेप लगी हुई है स्टैंड के ऊपर, डबल टेप को हटाकर इसको यहाँ पर स्टैंड कर देंगे, ये चिपक जाएगा। ये बन गया हमारा स्ट्रीट लाइट का, सोलर स्ट्रीट लाइट का मॉडल। अब इसको जलाएंगे कैसे, या तो इसको धूप में ले जाएं हम, अगर आउटडोर दिखाना है तो धूप में ले जाएंगे, जैसे ही सनलाइट में जाएंगे ये तीनों एलईडी ग्लो कर जाएंगी, जल जाएंगी। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर मॉडल स्कूल में या घर में जब बच्चे बनाते हैं तो इंडोर हमें टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, 100 वाट का बल्ब या 200 वाट का बल्ब या 60 वाट का बल्ब, एक वायर के साथ अटैच करके ऐसे टू पिन प्लग लगा लेंगे और एक बल्ब और एक होल्डर के साथ। जब हम इसे जलाएंगे तो इसकी हीट से, जो सनलाइट की हीट आती है वैसे ही हीट इसे मिलेगी और ये वर्क करेगा। देखिए ये मैं प्लग कर देता हूँ, ये देखिए ये स्ट्रीट लाइट जल रही है, और जब इस पर से हम हटा लेंगे तो स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएंगी, फिर जब सोलर पर रोशनी देंगे तो स्ट्रीट लाइट जल जाएंगी। ये है सोलर स्ट्रीट लाइट। इस तरह से ये मॉडल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट मॉडल, मॉडल है सोलर फैन। सोलर फैन भी वैसे ही है जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट बनाई है, उसमें स्ट्रीट लाइट ग्लो करती है, इसमें सोलर का फैन चलेगा। इस किट के अंदर देखिए क्या सामान है, एक बेस है,
एक बेस है सोलर फैन, उसमें दो स्लॉट हैं, एक मोटर टावर के लिए और दूसरा सोलर टावर के लिए। एक ये टावर है स्टैंड यानी कि, एक फैन ब्लेड है प्रोपेलर, एक मोटर है सोलर मोटर, ये अलग आती है, डिफरेंट मोटर होती है, 2.4 वोल्ट की होती है ये, और एक स्टैंड है सोलर के लिए। सोलर स्टैंड को यहाँ लगा देंगे। देखिए इसमें ये सब सामान है, सबसे पहले हमने स्टैंड लगा दिया, उसके बाद ये मोटर को हम इस होल के अंदर डाल लेंगे। नेक्स्ट ये प्रोपेलर मोटर की शाफ्ट में लगा देंगे, अटैच कर देंगे, घुमा के देखेंगे टाइट है। स्टैंड कर दिया इसको भी। अब जो मोटर के दो वायर हैं ये सोलर के साथ अटैच करने हैं। इसमें हमने क्रोकोडाइल क्लिप दी है ताकि बच्चों को आसानी रहे। देखिए इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव है, ब्लैक और रेड, तो रेड में रेड लगाएंगे, और ब्लैक में ब्लैक लगाएंगे। अब सोलर को स्टैंड करने के लिए डबल टेप लगाई हुई है हमने स्टैंड पे, इसको रिमूव करके सोलर को यहाँ चिपका देंगे। बन गया हमारा सोलर फैन। अब या तो इसको आप आउटडोर दिखा रहे हैं तो सनलाइट में ले जाइए, फैन बहुत तेज़ी से चलने लगेगा। अगर इंडोर दिखा रहे हैं तो आपको फिर बल्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी, बल्ब की हीट से ये चलेगा। एक बल्ब बनाया हमने, जैसे पिछली बार मॉडल में दिखाया आपको, वही बल्ब यूज़ करेंगे। 100 वाट या 60 वाट या 200 वाट कोई भी बल्ब आप ले सकते हैं। इसको आप एसी में डायरेक्ट प्लग करेंगे। ये देखिए जैसे ही पास में हीट ले जाएंगे इसको बल्ब की हीट से, फैन चलने लगेगा, तेज़ी से चल रहा है, और जैसे जैसे दूर ले जाएंगे देखिए फैन स्लो हो जाता है, और दूर ले जाएंगे तो ये एक पोजीशन पे आके बंद हो जाएगा, फिर नज़दीक ले जाएंगे चलने लगेगा। इस तरह से ये सोलर फैन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मॉडल पे। देखिए ये है सिंपल मोटर या डीसी मोटर, इसके अंदर क्या क्या सामान है, बॉक्स को ओपन करते हैं। देखिए इतना सामान है इसके अंदर। सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं हम। ये एक बेस है, इसमें मैग्नेट की जगह दी हुई है, दो स्टैंड लगाने के लिए हैं, एक सेल होल्डर लगाने के लिए 3 वोल्ट की बैटरी का, दो मैग्नेट हैं इसमें हैवी, और ये दो स्टैंड हैं, और दोनों स्टैंड में लगाने के लिए ये वायर के स्टैंड भी हैं जिस पे मोटर चलेगी। सबसे पहले इसमें बनाने के लिए ये वायर के स्टैंड हम इस स्टैंड के होल में डालेंगे। बहुत आसान है इसको बनाना, और ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है इसको बनाने में समय बहुत लगता है, और बहुत से बच्चे ज़्यादा समय लगाकर बना नहीं पाते हैं, बनता नहीं है फिर भी उनसे, और वो कहते हैं इसे हम बना नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे तो कोई भी बच्चा इसे बना सकता है। ये देखिए इस तरह से दो स्टैंड लगा दिए। इसकी एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लगता है, और थोड़ा ट्रिक है वो सीख लें। इसका लेवल सेम होना चाहिए, और ये सेल होल्डर है, इसमें दो क्रोकोडाइल क्लिप दिए हैं, इसको पीछे स्लॉट में लगा देंगे, और दो बैटरियां डबल ए की 1.5 वोल्ट की एक बैटरी है, दोनों को मिला के 3 वोल्ट का करंट देते हैं इसमें।
हमने बैटरी अटैच कर दी। अब हमें ये क्रोकोडाइल क्लिप, इन दोनों स्टील की रॉड जो दी है इसमें, इसमें लगाना है। ये नेगेटिव लगाया पहले, फिर पॉजिटिव लगाया, कोई भी लगा सकते हैं एक एक करके। ये सीधा रहना चाहिए। उसके बाद देखिए इस मैग्नेट को रखेंगे मैग्नेट की जगह पर, और एक कॉपर वायर की ये कॉइल बनाई है हमने, और दोनों सिरे निकाल दिए इधर उधर साइड से। ये रब करके या माचिस से जलाकर इसका इनेमल हटाना है, तभी चलेगी ये। बहुत से बच्चे इनेमल ही नहीं हटाते हैं और ऐसे ही कहते हैं हमसे चल नहीं रही है। थोड़ा सा देखिए ये चलने लगा, थोड़ा समय लगेगा। देखिए चल रहा है, ये चल गई आपकी डीसी मोटर, फर्राटेदार चल रही है। थोड़ा सा सपोर्ट देना होगा इसको, अगर ये रुक जाएगी तो। ये देखिए फिर चलने लगेगी तेज़ी से। थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत होती है इसमें, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। मैग्नेट आपको आगे पीछे करके इसका बैलेंस बनाना है। बहुत तेज़ी से चल रही है ये, देखिए कितनी तेज़ी से चल रही है। इस तरह से ये मॉडल भी आपका कंप्लीट हो गया, सिंपल मोटर। इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है। और आशा करता हूँ आपको ये मॉडल बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।